हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हर किसी की जिंदगी में होता है। ग्रहों को देखने के बाद आपके जीवन से जुड़ी कई चीजों का पता भी चल जाता है। ग्रहों की चाल का आपके दिन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, जबकि ग्रहों की चाल अगर सही नहीं है तो आपके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। वैसे तो राहु केतु का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, लेकिन 60 साल के बाद राहु केतु खुश हुए हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर राहु केतु मेहरबान होने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में। मकर राशि। राहु केतु की कृपा से इन राशि वालों का आत्मविश्वास शिखर पर रहेगा। ये लोग अपनी सकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेंगे। आपकी प्रतिभा को देखकर आपको कोई सुनहरा अवसर भी मिल सकता है। इस दौरान आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि साझेदारी में आप कोई भी काम न करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए भी आने वाला समय अच्छा है। अगर आप अपने परिवार से दूर रह रहे हैं तो आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका इस दौरान मिल सकता है। निवेश के लिए भी ये अच्छा समय है। आपको इस दौरान धन का लाभ भी हो सकता है। कुंभ राशि। आने वाला समय मीन राशि के लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन इनके साथ एक परेशानी ये आएगी कि अपने गुस्से की वजह से ये अपना नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने गुस्से पर काबू रखेंगे तो इन्हें फायदा ही फायदा होगा। मिथुन राशि। इस राशि के लोगों पर राहु केतु काफी मेहरबान रहेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस दौरान उन्नति मिल सकती है। इस राशि वालों के लिए सारी चीजें हक में रहेंगी। व्यापार से जुड़े मामलों में भी इस राशि के लोगों को सफलता मिलेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।